Hello children, good morning to you all. How are you? Today we are talking to class 4 students of revision work of local government. हम लोग local government के कुछ revision parts को समझेंगे और पढ़ेंगे. Last class में हम लोग Saturday को मैंने आप लोगों को revision 3rd करवाया था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को दिया था चैप्टर 13 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करने के लिए. तो आई थिंक आपने किया होगा उसको अच्छे से. हम लोग यहाँ पर चैप्टर 13 के लोकल गवर्नमेंट को पढ़ेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स को अंडरस्टैंड करेंगे. एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स मीन्स डिफाइन. हमको यहाँ डिफाइन करना है पहला में गवर्नमेंट, यानी सरकार. सरकार को कैसे परिभाषित करेंगे? अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट रूल्स अ स्टेट और अ कंट्री. कहता है कि ग्रुप एक लोगों के समूह को कहते हैं. सरकार एक लोगों के समूह को कहते हैं जो किसी देश या किसी राज्य में शासन करती है या शासन की व्यवस्था लाती है. यानी डिफाइन करें तो अ ग्रुप ऑफ पीपल That rules a state or a country, जो किसी राज्य या किसी देश के लिए समूह में शासन करती है और उस राज्य या उस देश का विकास करती है. Next definition है civic amenities. इसका मतलब होता है कि द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट टू मेक आवर लाइफ्स हेल्दीएस्ट एंड मोर कंफर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड पोस्ट ऑफिस. यानी अगर सिविक एमिनिटीज़ की बात करें तो सिविक एमिनिटीज़ गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले सारे फैसिलिटीज़, जिससे हमारा जीवन जो है बहुत ही आरामदायक तरीके से चले. उदाहरण स्वरूप पानी और बिजली जो रोड पे सप्लाई की जाती है, वो हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस. दूसरा है इलेक्ट. इलेक्ट मीन्स टू चूज बाय वोटिंग. टू चूज बाय वोटिंग मतलब अगर हम लोग वोट देते हैं तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम किसी भी व्यक्ति या प्रत्यक्ष को वोट करके चुनते हैं. हम अपने नेताओं को चुनते हैं. तो सरकार कैसे बनती है? लोगों के समूह से बनती है. जब लोगों के समूह जो है अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, अपने एक रूलर को, अपने किंग को वोट देके चुनते हैं तो उससे सरकार बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैनिटेशंस. सैनिटेशन मीन्स क्लीननेस स्पेशली रिलेटेड टू हाइजीन. साफ तौर पे कह सके कि अगर हम लोग अपने आप को सैनिटाइज करें, क्योंकि कोरोना महामारी के
कोरोना जो चल रहा है COVID-19, उसको देखते हुए हम लोगों को सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाना है। हर जगह पर सैनिटेशन करवाया जाता है, अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही कोई काम करते हैं। तो सैनिटेशन का मतलब होता है क्लीनलीनेस, स्पेशली रिलेटेड टू हाइजीन। आप जितना ज़्यादा साफ सुथरा रह सके से ही सैनिटेशन कहते हैं। टैक्स का मतलब होता है द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेस टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज। कहता है कि टैक्स एक प्रकार का मनी होता है जो लोग सरकार को देने के लिए करते हैं। द गवर्नमेंट यूजेस, फिर सरकार जो है उस कर का उपयोग करके, उस टैक्स का प्रयोग करके सिविक एवेंटीज प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है लिटरेसी। लिटरेसी मतलब साक्षरता। लिटरेसी का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। एबिलिटी यानी ऐसी क्षमता जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ या लिख सकते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसे ही हम लोग लिटरेसी कहते हैं। आगे चलते हैं लिटरेसी के बाद। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चंस की बारी आती है, तो क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज वन और टू सेंटेंसेस में। क्वेश्चन पहला है व्हाट आर द वेरियस लेबल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में कितने लेवल में सरकारी हैं, क्या कितने वेरियस लेवल बताइए सरकारों की। द वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर फर्स्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड द स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड द लोकल गवर्नमेंट। सो देयर आर थ्री वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपको दो तरह की सरकारें आ जाएंगी, एक जो म्युनिसिपैलिटी हो जाएगी, नगर पालिका, और एक जो गांव में होते हैं यानी रूरल। एक अर्बन हुए शहरी, एक रूरल हुए यानी ग्रामीण। तो इस तरह से हम लोगों को देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेकेंड लेवल में स्टेट गवर्नमेंट होता है, राज्य सरकार, जिसमें चीफ मिनिस्टर होता है। स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर होता है, राज्यपाल होते हैं जिसको कहते हैं। उसके बाद एक और जो है लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं, एक शहरी और दूसरा ग्रामीण। अब आगे चलते हैं व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी कॉल्ड। म्युनिसिपैलिटी के जो सदस्य होते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ जैसा लिखा हुआ है कि नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग काउंसिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिलर्स कहते हैं। आगे मैन्युफैक्चरिंग, एक मिनट, उसके बाद हम लोग आएंगे इसके कुछ बैक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को करने के लिए।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स में कहता है वर्कआउट में पहला क्वेश्चन है मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज अ ट्रू और फॉल्स, करेक्ट वंस दैट आर फॉल्स, जो गलत है वहाँ पर उस स्टेटमेंट को सुधारना है। तो चलिए हम लोग लग जाते हैं काम में, पहला क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों को पहले क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद समझ में आएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि देयर आर टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इन टोटल, क्या भारत में सिर्फ दो ही प्रकार की सरकारें हैं, दो ही तरीके से सरकार चलती हैं? इसका आंसर होगा फॉल्स। देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था स्टार्टिंग में, कि देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स में, द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर चूजन बाई द विलेजर्स, ये बात सही है। ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो मीटिंग बुलाते हैं या जो मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, वैसे लोगों को ग्राम पंचायत का सदस्य माना जाता है और वह भी बैठते हैं और नेताओं की बात को सुनते हैं। नेक्स्ट है वुमेन कांट बी मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, क्या महिलाएं जो है कभी भी ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं बन सकती हैं? हालांकि यहाँ तो लिखा हुआ है नो, फॉल्स है, बड़े शहरों में है ना, नेक्स्ट कहता है द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क इन अ विलेज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है गांव में काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बड़े बड़े शहरों में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है वुमेन कांट बी मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, क्या महिलाएं जो है वो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हुआ करती हैं? गलत बात, फॉल्स, हो सकती है, मे बी ग्राम पंचायत के सदस्य हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है रनिंग स्कूल इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज, क्या विद्यालय को चलाना लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज का एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ है? ट्रू, सही बात है, लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज़ की ये इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ है को विद्यालय को चलाए। आगे द ड्यूटीज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज आर टोटली डिफरेंस इन द विलेजेस एंड द सिटीज़, क्या लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज़ के जो ड्यूटीज़ है वो गांव के शहरों से बिल्कुल क्या है, अलग है? फॉल्स, टोटली सेम, एक जैसा है। आगे डिफिनेशन तो हम लोग कर ही लिए थे, डिफिनेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। चूज द करेक्ट ऑप्शन हमारा तीन है, तीनों को हम लोग फिर से पढ़ते हैं, फिर से और समझते भी हैं ध्यान से।
कहता है कि द गवर्नमेंट एजेंसीज इन एन इंडियन विलेज इज कॉल्ड द व्हाट, क्या भारतीय गांव में जो लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उसको ग्राम सरपंच कहते हैं, म्यूनसिपल्टी कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं या ग्राम सभा कहते हैं। देखिए यहाँ पर बात आती है कि सदस्यों को क्या कहते हैं, है ना? तो सदस्यों को कहते हैं ग्राम पंचायत। वही एजेंसी जो है उसमें जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत की, वही इस एजेंसी को चलाते हैं। आगे, द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द व्हाट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो देखिए तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं उसको मेयर कहते हैं। मेयर इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट कहता है अ म्यूनसिपाल्टी लुक्स आफ्टर अ विलेज, क्या म्यूनसिपाल्टी जो है वो किधर देखती है, किसकी तरफ, मतलब किस पे गांव में ज़्यादा उनको म्यूनसिपाल्टी काम करती है कि शहरों में कि राज्यों में? देखिए यहाँ आंसर निकल क्या है, म्यूनसिपाल्टी लुक्स आफ्टर अ बिग सिटी, बड़े पानी वाले जहाज़ों के लिए म्यूनसिपाल्टी होती है, एयरपोर्ट होती है जिसमें कि लोग, या जो हम लोगों का आगे है, व्हाट आर द वेरियस लेवल हो गया, ये सारे क्वेश्चंस तो हो ही गया। अच्छा उसके बाद हमारा ये पार्ट हो गया, अब लोग क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। अब है म्यूनसिपाल्टी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिफरेंसेस क्या होने चाहिए। म्यूनसिपाल्टी आर द लोकल गवर्निंग बॉडीज विच गवर्न इन द सिटीज एंड टाउन्स। म्यूनसिपाल्टी जो होती है, नगर पालिका जो होती है, वो एक लोकल गवर्निंग बॉडीज होती है जो शहरों या कस्बों पे काम करती है। नेक्स्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर द लोकल गवर्निंग बॉडीज विच ओनली गवर्न इन द मेट्रो सिटीज। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो एक लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होता है जो मेनली गवर्न गवर्न इन द मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली एंड कोलकाता। म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन जो होती है ना, नगर परिषद जिसको कह सकते हैं, वह भी एक लोकल गवर्निंग बॉडीज होती है जो बड़े बड़े शहरों महानगरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में चलती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को देख लिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, जो हमारा आंसर इन पैराग्राफ का अगला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग ध्यान से बारी बारी से पढ़ के और समाप्त करेंगे हमारा जो है, फिर इसके बाद फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहता है कि चैप्टर 13 में एक क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ ड्यूटीज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सिटीज़ एंड टाउन्स। देखिए ब्रीफ वाला जो क्वेश्चन आंसर है थोड़ा लंबा है, बट इसको हम लोग ध्यान से समझ के अपने वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है। पहला है कि ड्यूटीज़ लोकल गवर्नमेंट की होती है सरकार की, कि सैनिटेशन और क्लीननेस के लिए शहर में एक प्रस्ताव चलाए, पानी साफ पानी की व्यवस्था करे, सारे बच्चे जो छोटे हैं उनको एजुकेशन से जोड़े, जो है जो जिन जो बच्चे पढ़ के 10th पास कर रहे हैं उनको भी साक्षर बनाए, रोड्स और बिल्डिंग को मेंटेन करे, पार्क्स हो,
टैक्स को कलेक्ट करे और बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को रजिस्टर्ड करे। थैंक यू। इस तरह से अगले चैप्टर 14 का रिवीजन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बाय बाय। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।